तो दोस्तों आपका स्वागत है संजीवनी बूटी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसे आपने अगर सिर्फ 3 दिन लगा लिया तो आपकी आईब्रोज हो जाएंगी घनी और सुंदर। ये नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज और कैस्टर ऑयल। तो आइए जानते हैं कि इसको बनाने का ये तरीका क्या है। सबसे पहले एक खाली बाउल ले लीजिए और आपको इस प्याज का रस निकालना है। तो इस प्याज को काट लीजिए छोटे टुकड़ों में। उसके बाद आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं या फिर आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। आपको इसका रस निकालना होगा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चम्मच प्याज का रस चाहिए। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के लिए पहले से ही प्याज का रस निकाला हुआ है। अब आप इस प्याज के रस के 2 छोटे चम्मच इस खाली बाउल में निकाल लीजिए। अब इसमें हमें मिलाना है थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें चाहिए हमें, 2 बूंदें इसमें मिलाने के लिए काफ़ी है। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये नुस्खा हमारी आईब्रोज को बहुत जल्दी लंबा करने में और घना करने में मदद करेगा। कैस्टर ऑयल को आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको इसे अपनी आईब्रोज पर लगाना है। याद रखिए दोस्तों कि आप इसे रुई की सहायता से भी लगा सकते हैं और अपनी उंगलियों के पोर से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस नुस्खे को आपको अपनी आईब्रोज पर मसाज करना है। आप इसे इस तरह से लगाइए और बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी आईब्रोज पर मसाज कीजिए। इस तरह से आपको अपनी आईब्रोज पर इसे मसाज करना है। दोस्तों अगर आप 7 दिनों तक इसे रोज़ाना लगाते हैं तो 3-4 दिनों में ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। इससे आपकी आईब्रोज मोटी और घनी हो जाएंगी। उसके बाद आप मनपसंद शेप में अपनी आईब्रोज को ट्रिम कर सकते हैं। इस नुस्खे को आज़माइए और हमें ज़रूर बताइए कि आप पर ये कितनी असरदार हुई। दोस्तों ये आज़माया हुआ नुस्खा है, ये शर्तिया काम करता है। इसे आज़माइए और देखते रहिए संजीवनी बूटी।